नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो बार में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में। बहुत लोग चिंतित है, बहुत लोग इसमें परेशान है, बहुत लोग इसमें लॉस में भी है। तो YouTube वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर डॉज कॉइन के ऊपर वीडियो बनाइए, क्या होगा, कब ये अप जाएगा और कब हम लोग प्लस में आएंगे। देखिए बहुत से लोग तो इसमें प्लस में ही चल रहे हैं काफ़ी समय से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने लोगों को प्रॉफिट दिया है बहुत जल्द, बहुत कम समय में। हालांकि कुछ लोग बहुत पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए थे तो उन लोगों को काफी लेट इसमें प्रॉफिट मिला, लेकिन जिन लोगों ने अभी रिसेंटली इसमें इन्वेस्टमेंट किया था वो लोग काफी प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो ये मैंने खोला हुआ बिटमार्ट में डॉज कॉइन का चार्ट, एक बार थोड़ा सा चार्ट पे निगाह मारते हैं। देखिए आप इसका अगर चार्ट देखोगे तो इसने बहुत कम समय में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की है। यहाँ तक तो आप अगर इसे देखोगे ध्यान से तो पिछले कई सालों में ये धीरे 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 ग्रो किया, इतनी जल्दी इसने कभी भी ग्रो नहीं किया जितना इन 1-2 महीने में किया। ये लगभग 2013 में लॉन्च हुआ था और 2013 से अभी तक ये 1-1.5 रुपया ही पहुंचा था कि यहाँ से इसने फिर पंप लगाने शुरू किए और आज ये 40+ है। देखिए अप डाउन चलते रहते हैं, यहाँ पे इसने बहुत जल्द जल्द अपने जो इसके ऑल टाइम हाई थे उनको ब्रेक किया और अभी 42 पर है। अपने लास्ट टाइम हाई जो इसका ऑल टाइम हाई था 39 था शायद, उसको ब्रेक करके ये 50+ गया और अभी ये 40+ में चल रहा है, यानी कि अभी ये डिप में चल रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। देखिए यहाँ पर ये था और एक बार अगर वजीर एक्स पे देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि वहां पे INR में है। देखिए यहाँ पर ये था, यहाँ पर यानी कि 57 तक गया और ये फिर डाउन आया, डाउन गया 40 तक डाउन गया और फिर अब गया, फिर 57 तक ही गया। ये तो 2 बार ये 57 तक गया, लेकिन जिसका ऑल टाइम हाई है अभी तक वो 58 है और 57 तक गया, 58 को ये अभी ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसको यहाँ भी बाय किया क्योंकि वो जो 8 तारीख का जो एलोन मस्क का एक ट्वीट था वो बहुत ज्यादा वायरल हो रखा था। लोगों को लग रहा था कि ये $1 जाएगा ही जाएगा 8 तारीख में, या $1 को क्रॉस करेगा। तो मुझे इस पे कहीं ना कहीं डाउट था कि ये कहीं ना कहीं लोगों को फंसाएगा जरूर, तो वही काम हुआ, लोग इसमें फंसे। हालांकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो उतना ज्यादा भी नहीं फंसे, उतना कोई लॉस भी नहीं है। बस जो हल्का फुल्का लॉस हुआ होगा उन लोगों को हुआ होगा जिन्होंने यहाँ पे इसे बाय किया और ये एकदम से इतना डाउन गया। यहाँ से इसने डाउन जाना शुरू किया और ये गया 33 तक, ठीक है। तो लोग उस चीज में पैनिक हो गए होंगे, यहाँ पे इस कंडीशन में पैनिक हो गए होंगे और कुछ लोगों ने घबराहट में इसको यहाँ पे सेल भी कर दिया होगा लॉस में, तो काफी लोगों को लॉस हुआ होगा। लेकिन मैं आपको इसकी एक चीज बता दूं कि अगर आप इसको होल्ड रखते हो, चाहे आपने 57 में खरीदा या 58 में खरीदा, या आपने 40 में खरीदा या 45 में भी खरीदा, अगर आप इसको होल्ड रखते हो 2 से 3 महीने तो ये आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ही आपको दे सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसी महीने ये $1 को टच करेगा और बहुत जल्द टच करेगा, ठीक है। सुबह ही मैंने टेलीग्राम पे इसकी कॉल दी थी जब ये लगभग 37-36 रुपए के आसपास था, तो मैंने वहां पे बोला था कि इजीली आप इसमें 10 रुपीज तक का प्रॉफिट ले सकते हो अभी। तो काफी लोगों ने वहां पे ले लिया होगा प्रॉफिट, लगभग 7-8 रुपए का प्रॉफिट तो अभी भी आ चुका है। लगभग ये 44-45 को ये टच करके अभी नीचे है, तो लगभग 7-8 रुपए का प्रॉफिट सुबह से अभी तक लोगों ने इसमें ले लिया होगा जिन्होंने अभी इसको बाय किया होगा। और जो ऑलरेडी पहले से माइनस में है वो भी, उनको भी थोड़ी खुशी मिली होगी कि थोड़ा सा अप गया है यहाँ पे। तो चलिए एक बार चलते हैं इसके कॉइन मोमो के पेज पर। यह है इसका कॉइन मोमो का पेज, रैंक है इसकी 4 और जो इसकी मार्केट कैप है वो है लगभग $68 बिलियन और जो 24 आवर्स का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है $22.6 बिलियन है। 24 आवर्स का इसका अगर लो हाई देखें तो यहाँ पर है 0.38 इसका लो है और 0.52 इसका हाई है। और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 129 बिलियन। टोटल सप्लाई इसकी क्या है वो किसी को भी नहीं पता है। और ये है इसका ग्राफ, यहाँ से इसने उठना शुरू किया, यहाँ से नीचे तो ऐसा लग रहा है जैसे डॉट 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 डॉट, और आप देखोगे तो ये लगभग कंटिन्यू ही चला। एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया, फिर डाउन गया, फिर ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया, अभी डाउन है और फिर से ऊपर की ओर है, ठीक है। ये हो गया इसका कॉइन मोमो और अभी देख लेते हैं कॉइन मार्केट कैप पर क्या कहता है ये। देखो कॉइन मार्केट कैप का अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे क्योंकि एकदम बिल्कुल सीधी रेखा यहाँ पे आपको खड़ी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसको 1 मंथ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, या मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 3 मंथ पे। ये देखिए यहाँ पे इसका 3 मंथ का चार्ट है और 3 महीने पहले देखते हैं क्या बोलता है ये। देखिए 14 फरवरी को इसका जो प्राइस था वो था 4 रुपए, 4 रुपए का डॉज कॉइन था
और अभी आप देख सकते हैं लगभग 10 गुना ये हो चुका है, और 10 गुना छोड़ो, ये तो 57 को 58 को टच करके अभी नीचे आया हुआ है, यानी कि 12 से 13 गुना तक ये लगभग जा चुका है। 12 से 13 गुना 3 महीने में ये 12 से 13 गुना हो चुका है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 3 महीने के अंदर कोई करेंसी, कोई कॉइन, कोई टोकन 10 से 12 गुना हो जा रहा है, और अभी भी ये इतनी गुंजाइश है इसमें। 4 नंबर पे विराजमान है ये, और 4 नंबर पे क्यों है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, मार्केट कैप देखो, अगर आप यहाँ पे रुपीज में देखोगे, मार्केट कैप आप देखो यहाँ पे रुपीज में लिखी हुई है कितनी ज्यादा है। मिलियन बिलियन तो मैं आपको बता भी देता, तो चलिए मिलियन में ही बताते हैं। इसमें है 12 डिजिट लगी हुई है लास्ट में, तो ये 5 ट्रिलियन रुपीज के आसपास इसकी मार्केट कैप है। आप अगर चेक करोगे तो 5 ट्रिलियन ही है ये, 5 ट्रिलियन इंडियन रुपीज के आसपास इसकी मार्केट कैप है। और जो इसका लास्ट 24 आवर्स का वॉल्यूम है वो 1.6, यानी कि 1.5 ट्रिलियन के आसपास इसका लास्ट 24 आवर्स का वॉल्यूम है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर आप इसकी देखोगे तो 129.58 बिलियन डॉज, ये इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और मैक्सिमम सप्लाई इसकी अवेलेबल नहीं है। टोटल जो इसकी सप्लाई है वो है 129 बिलियन, ये इसकी टोटल सप्लाई है 129 बिलियन, 129 बिलियन डॉज कॉइन्स इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। तो मुझे जहां तक इसका लगता है, ये इस महीने ही आपको $1 के ऊपर लेके जाएगा, तो आप इसमें होल्डिंग बना के रखें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जिन लोगों ने 40 में खरीदा, या 35 में खरीदा, या 20 में खरीदा, या जिन लोगों ने 55 या 57 रुपए में भी खरीदा है, वो लोग बिल्कुल भी ये फील ना करें कि हम लोग लॉस में हैं, और लॉस में जाके वो उसे सेल ना करें, इसको होल्डिंग बनाए रखें। 1-2 महीने के अंदर ही अंदर, देखो सीधा सा फंडा है कि, चलिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, सीधा सा फंडा ये है कि ये टॉप 5 रैंकिंग में है, टॉप 5 कॉइन्स में है। ये देखिए यहाँ पर 4th नंबर पर आप इसे देखोगे, बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस, और उसके बाद सीधा डॉज कॉइन। XRP को इसने पीछे हटा दिया, कार्डानो ऑलरेडी इससे पीछे है काफी टाइम से। किसी कॉइन का 4 नंबर पे होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो आप इसको होल्ड रखें, 1-1.5 महीना 2 महीना इसको होल्ड रखें, और ये आपको $1 के प्लस लेके जाएगा, और हो सकता है 3 महीने के अंदर अंदर ये $2 भी क्रॉस करें। तो आप इसकी होल्डिंग बनाकर रखें, बिल्कुल संयम बरतें, और होल्डिंग इज द की ऑफ ट्रेडिंग, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रहे। तो आप बिल्कुल भी ये माइनस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, आप इसको 2-3 महीने सेल ना करें। और जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि जितना आप इसको लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड रखोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हो सके तो बढ़िया से बढ़िया होल्डिंग इसको दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।